अरे चचा जान, आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो हारिस पुत्र? जबरदस्त चचा जान, जबरदस्त। आप अभी तक बचे हुए? क्यों, आपके साथ के सब मर गए यकीन करें। मैं तो बस वैसे ही पूछ रहा था। अरे पुत्र, मैंने पुरानी खुराक खा दिया। हफ्ता पहले का खाना खाते थे? हाँ, खालिस खुराकें थी। अब वो दवा क्या चचा, अब तो खुराकें भी खालिस नहीं रही। आए, अंदर आने का नहीं बोलेगा? अब आपने अंदर भी आना है, अल्लाह खैर ही करे। ना, तूने कुछ कहा क्या? नहीं नहीं चचा, आप वैसे कितने दिन रहेंगे जिंदा इस घर में? आए हफ्ता दो हफ्ते और की। हफ्ता दो हफ्ता? आए घबरा क्यों गया? अच्छा अब आइए ना। आए आए कहा, और अभी ठहर। अब क्या हुआ? ना समो पुत्र। हाँ जी अम्मा जी, मैं आ गई। समो भी आई है? अब पुत्र इसी को तो लेकर आया हूँ। ये तो बड़ी हो गई है। तो और क्या, इसने स्टे लिया हुआ था। चाचा आप पूरा महीना रह गए चाचा। ओए अभी तो तू घबरा रहा था, आपने भी तो ये पूरा सामान नहीं दिखाया था ना मुझे। आप तेरा भाई को सलाम कर। भाई ना, बचपन में तुम इकट्ठे खेलते रहे हो, इसलिए तो मैं भाई पर चौंक के रह गया हूँ। अब पुत्र सलाम कर। ये मुझे देखकर हंस क्यों रही है? ओ ना, तू पहले अंदर तो चल। आए ना। अरे चचा है ना, सम्मो हंसते हुए आओ। अस्सलाम वालेकुम बहू। वालेकुम अस्सलाम चाचानी, कैसे आना हुआ? खैर है? ओ दो बड़े अहम काम करने आया हूँ। एक तो आपको फोत होना है, और दूसरा कौन सा? अरे मैंने क्यों फोत होना है बहू? लो चाचा, तेरे उम्र के तो सारे फौत हो गए, तूने क्या करना है बोला? वो तो एक दिन मरना ही है, और मैं इस वेले तो किसी और काम से आया हूँ। चाचा काम दिखाई जा रहा है, काम बता भी तो सही। ओए शादी? अच्छा समो की शादी कर रहा है चाचा? ओ समो की नहीं होए। तो फिर? ओए तुम्हें तो पता है कि इसकी माँ जवानी में ही मर गई थी, और फिर सारी दुनिया की औरतों ने कसम भी खा ली कि मुझसे शादी नहीं करनी। चाचा अब दूसरा काम भी बता। अब दूसरा काम समो का इलाज करवाना है। है इसको क्या बीमारी है? ओए चलिए, हर वेले हंसती रहती है। अरे वाह, हंसना तो बहुत अच्छी बात है, इतनी महंगाई में तो लोग हंसना ही भूल गए। पुत्र इसका दिमागी तवाज़ुन ही ठीक नहीं है। इस उम्र में आप शादी के बारे में सोच रहे हो तो खुद का भला कौन सा ठीक है? ओए बस मैं कहता हूँ कि मेरा नाम भी जिंदा रह जाए। चाचा बिल्कुल सही है, सोचते हैं तेरे कामों के बारे में भी। हारिस को लेके जाओ ना कमरे में। हाँ ठीक है सम्मो। वेरी गुड, आओ आओ जल्दी चाचा। हेलो कौन हो तुम? सम्मो यहाँ कैसे आई हो? मैं अब्बे के साथ आई हूँ। किसके अब्बा के साथ? अरे अपने अब्बे के साथ। क्यों? क्यों जी, अब्बे के साथ नहीं आते? अरे भाई आई क्यों? अरे शादी के लिए। तुम किससे शादी कर रही हो? अरे जी अपनी नहीं। तो फिर? अरे अब्बे की। अरे भाई तुम्हारी अम्मा कहाँ है? अरे वो तो मर गई, जबी तो अब्बे की शादी करानी है। अच्छा दूसरी शादी हो रही है? अरे मेरी तो पहली भी नहीं हुई। नहीं नहीं मेरा मतलब है तुम्हारे अब्बा की। तुम कौन हो? मेरे ही घर में आके मेरा पूछ रही हो? अरे ये तुम्हारा घर है? हाँ। अरे तो हारिस का घर कौन सा है? तुम हारिस को भी जानती हो? अरे ना वो मेरे ताए का पुत्र है। हारिस हारिस क्या हुआ भाई, ये कौन है? ये सम्मो है, मेरे चाचा की बेटी है। सम्मो? अरे बाबा मैं तुम्हें बाद में सब बता दूंगा कि ये कौन है। अरे भाई बताओ तो सही, क्या है कौन ये? बता दूंगा, इसको लेके फिलहाल अंदर जाओ। जाओ जाओ ना सम्मो जाओ। चलो पुत्र अब दोनों काम तू नहीं करने। कौन से? और बताए तो थे पहले शादी वाला। क्यों मरवाएगा चाचा? समझ नहीं रहा, और मैं कह रहा हूँ किसी लड़की से भी तो शादी हो सकती है। किसकी? और ना मेरी। चाचा ख्याल कर कुछ, जिंदगी का क्या भरोसा? और कोई बात नहीं पुत्र, ओ मर गई तो मैं हार कर लांगा। चाचा मैं तुम्हारी जिंदगी की बात कर रहा हूँ। ओ पुत्र मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाला। तू क्या बुराई है? और पुत्र अब मैंने पुरानी खुराक खाइया ने। अच्छा खैर दूसरा काम? और वही कोई समो के लिए डॉक्टर ढूंढ। इसकी शादी का डॉक्टर से करनी है? और पुत्र इलाज के लिए। डॉक्टर का इलाज क्यों कराना चाचा? ओए समो के इलाज के लिए, और तू भी पागल हो गया? अच्छा फिर तो कोई दिमागी बीमारी का डॉक्टर ढूंढना होगा। ना जी, और जिसे खुद दिमागी बीमारी हो वो इलाज कैसे करेगा? मतलब दिमागी अमराज के इलाज करने वाला डॉक्टर चाचा? अच्छा हाँ हाँ बिल्कुल वही वही। अच्छा मेरा एक दोस्त तो है
है। डॉक्टर है? नहीं नहीं, लेकिन उसे बहुत से डॉक्टर्स का पता है। बस पुत्र, फिर उन्होंने कहे कि कोई चंगे जया डॉक्टर भेज दे थे। अरे चाचा आप बस अंदर बैठे, मैं अभी फोन करके पता करता हूँ। हेलो सलमान, यार तेरा कोई डॉक्टर जानने वाला है? वो वाला नहीं यार, असली सही डॉक्टर, बाकी चीजों का भी। हाँ मैं शादी तुम्हीं से करूंगी। तुम्हें पता ही नहीं मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, रांझे से भी ज्यादा। किससे बातें कर रही हो? मैं ना अपने रांझे से बात कर रही हूँ। रांझे से बात कर रही हो? वैसे तो पागल बने हुई हो, फिर रांझे से बात कर रही हो। मंजूर चाचा, मंजूर चाचा, देखिए क्या हो रहा है। क्यों होया पुत्र, खैर से है? इससे देख लो चाचा, चांद चढ़ा रही है। ओए चांद को चढ़ा दिया है इसने? तो और क्या, आप इसे पागल बोलते हैं और ये फोन पे गप्पे लड़ा रही थी। फोन पे? हाँ हाँ, इसे देखे तो सही। और ये फोन? अरे चाचा आप भी इसके साथ पागल ही हो गए। और बहू, और इसमें तो सिम ही नहीं है। सिम नहीं है? अगर क्या, और खाली फोन पे बातें करती रहती है। हाय चाचा ये क्या कह रहे हो? इसीलिए तो इसे पागल कहते हैं। हाँ बात तो ऐसे कर रही थी जैसे इधर ही कोई है। और नहीं बहू, और यही तो मुसीबत है, और जवान दी है और इसी की फिक्र लगी रहती है, और क्या होगा इसका पता नहीं। हाँ इसका कुछ हो ना हो आपकी शादी जरूर हो जाएगी। अरे अल्लाह तेरा मुंह मुबारक करे। वैसे चचा पहले इसके इलाज का तो सोचे। वही तो सोचा है। क्या सोचा है? वो हारिस ने ना डॉक्टर को बुलाया है। जी भाई जल्दी से लड़की लाओ। शर्म करो भाई, हम तुम इस तरह के लोग लगते हैं। मैं तो डॉक्टर लगता हूँ ना। यार डॉक्टर हो तो तुम इस तरह की बेहूदा डिमांड करने लगोगे अब। भाई इस डिमांड में क्या बेहूदगी है? मैं तुम एक रख के ना जा वहाँ मारूंगा। वाह भाई, अब डॉक्टरों की ये इज्जत होगी? तो डॉक्टर्स वाले काम करो ना। अरे भाई डॉक्टर वाला काम तो कर रहा हूँ। यार ये डॉक्टर्स वाले काम है। कमाल है, खाम खा मेरा वक्त जाया कर दिया, मैं एक औरत को देख रहा था। घटिया इंसान, तुम दूसरों की औरतों को देखते हो? ले तो क्या डॉक्टर मरीजों को नहीं देखता है? है? तो ये कहो ना कि मैं चेक कर रहा था। ये मैंने एक बार कहा था। फिर एक हफ्ता ना मुझे डॉक्टर चेक करता रहा। क्यों? भाई औरत के रिश्तेदारों ने चेक करने को पता नहीं क्या समझा। पता नहीं यार तुम मासूम हो या खोचल हो। मैं सिर्फ डॉक्टर हूँ। कहाँ है वो पागल लड़की? अच्छा वो तुम पागल लड़की की बात कर रहे हो? मुझे तो तुम भी पागल ही लगते। अरे डॉक्टर साहब माफ कर दे मुझे, मुझे नहीं पता था कि आप पागलों के डॉक्टर हैं। लड़की किधर है? अरे बाबा अंदर आओगे कि दरवाजे भी क्लिनिक खोलोगे? चल चल चल। अब आओ आओ यार। मेरी बेटी को बचा लो डॉक्टर। क्यों ये ट्रेन के नीचे आ रही है? तुम्हें पता नहीं इसे क्या है? कोई ज़हनी खलल बताया? और पागल है। मैं पागल नहीं हूँ। मुझे भी पता है हम सब पागल है। मैं भी यही कहती हूँ, कोई मानता ही नहीं। भाई इन्हें क्या पता, और बस ऐसे ही बातें करती रहती है। गांव में एक बरात आई, बस रफड़ ही डाल दिया इसने। रफड़? ओ हाँ हाँ, शोर मचाना शुरू कर दिया। मेरा दूल्हा आ गया, मेरा दूल्हा आ गया। वाकई? भाई कहाँ है आपका गांव, मैं भी आऊंगा। अब बकवास बंद करो, पूरी बात सुन। जी 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 बताइए। और निकाह खाकर गरीबान पकड़ लिया, कहने लगे कि मेरा निकाह करवाओ। ओ भाई लगता है इसे किसी शादी से ना सख्त सदमा पहुंचा। हाँ। ओए दुनिया की कोई शादी है जो सदमे के बगैर हो? हाँ भाई ऐसी शादी ढूंढना तो मुश्किल है। ओए इसका कोई और ही मसला है। हाँ भाई आप फिक्र मत करें, इसका जो भी मसला है अब मैं हल करके ही जाऊंगा। अल्लाह तेरा भला करे डॉक्टर। भाई अब आप जाइए, मुझे ना इससे कुछ बातें करनी। तुम डॉक्टर हो? मैंने भी यही सुना है। तो इलाज करो ना, तुम बातें किए जा रहे हो। अच्छा भाई सुनो, तुम क्या बाकी दूल्हे देख के कहती हो कि मेरा दूल्हा आ गया, मेरा दूल्हा आ गया है? क्यों? भाई मुझे भी दूल्हा ही समझो। क्या? भाई कहो कि मेरा दूल्हा आ गया, मेरा दूल्हा आ गया। वो तो बहुत मारती है यार, बस थोड़ा सा पागल सी है ना। है? इसका मतलब है बीवियाँ पागल है? क्यों? वो भी इसी तरह मारती है ना। ना बेशरम बीवी के सामने कह रहा है। लो तुम मेरी बीवी हो, मुझे पता ही नहीं। और ना इसकी। तुम भी इसकी बीवी हो? ओ पाइजन मैं दूसरी हूँ। कमाल है भाई, हमें पागल भी कबूल नहीं कर रही। तो फिर तुम्हें बीवियों की पिटाई का कैसे पता चला? अब्बा की तीन बीवियाँ थी। बेटा तीन बीवियाँ तो मारती है। नहीं वो नहीं मारती। मारती है लेकिन कम।
नहीं नहीं मैंने नहीं करना इलाज। बीवियों का? अरे उस लड़की का, वो बिल्कुल पागल है ना। तो तुझे हमने प्रोफेसर के बारे में बताया था है? यार तुझे मारा क्यों था भाई? पागल से ना कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं उसका इलाज नहीं करूंगा। खबरदार, अब तू उसका इलाज के बगैर यहाँ से जाएगा नहीं, समझे? ये कोई जबरदस्ती है क्या? डॉक्टर्स की अपने प्रोफेशन के साथ एक कमिटमेंट भी कोई चीज होती है। तो क्या अपनी हड्डी पसली के साथ कमिटमेंट नहीं होती? जानी, एक दो पिटाइयों से हड्डी पसली कहाँ टूटती है? ये कौन सा इधर उधर घुटना मार रही है वो? चाचा जी करता हूँ। That's like a good doctor. अच्छा सुनो, अब चल के अंदर चाचा की खबर भी लेते हैं। और बात सुन, तुमने कहीं जाना नहीं, समझे? जी 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 जी। गोहो डॉक्टर, जरा उसको प्यार और मोहब्बत से आप उसको मनाते, मान जाना था उसने। हाय मैं मर गई। चाचा तू रो क्यों रहा है? ना पुत्र, अब क्या होगा? तेरी बेटी का? ओए मेरी शादी का। चाचा उसके इलाज के बारे में सोच पहले। ओए वो तो इलाज करने वालों को फेंटी ला रही है। ओ चाचा पागल ऐसे ही करते हैं। तो क्या ठीक नहीं होते? ओ ना चाचा, ऐसे ही इलाज करते करते ठीक हो जाते हैं। ओ ऐसे इलाज कौन कराता? वो डॉक्टर भाग रहा है। चाचा वो कहीं नहीं भाग रहा, हमने समझाया उसे। यानी वो इलाज करेगा? आहो चाचा करेगा, क्यों नहीं करेगा? शुक्र है। ओए तेरे सर पे तो व्याह का भूत सवार है। ओए कोई तो हो जिससे मेरी नस्ल चले। ऐसी कौन सी मुगलों की नस्ल चल रही है तेरी चाचा? ओए कोई तो हो जिसे लोग कहें वो जा रहा मंजूर का पुत्र। हाँ तो बेटी है ना तेरी। ओए ये तो पागल है ना चाचा, तूने व्याह की बात के फिलोसफर पैदा करने। ओए ऐसा तो ना बोल बहू, ना मैं अपने पुत्र नु डॉक्टर बनावागा। चाचा पहले बंदे का पुत्र बन और कुछ पैसे वगैरह भी लाया है, फिर ऐसे मुंह चुक के आ गए यहाँ पे। पैसे किस चीज के? आहो डॉक्टर को देने के लिए, और किसके लिए? डॉक्टर को। और तुम्हारे लिए वो लड़की भी तो देखनी है ना। हाँ अब बात दिल को लगने वाली है। आप कितने पैसे? जितने भी देना चाहो चाचा। ना ये ले 50,000। ओए चाचा ये पैसे तो लाज के लिए, लड़की कैसे देखेंगे भला? और लड़की इन पैसों से देख लो, इलाज तो हो ही जाना है। तो इलाज का मुफ्त में होना है। अच्छा अच्छा ये ले 50,000 और। वाह चाचा तूने तो चोर जेबी भी रखी हुई है। और अब तो तेरा ब्याह हो ही जाएगा चाचा इंशाल्लाह। और शुक्रिया। क्या हुआ डॉक्टर, डर क्यों रहे हो? मैं डरू नहीं तो और क्या करूं? अरे तुम डॉक्टर हो, तुम डर गए तो मरीज का क्या होगा? ये सोचो कि मेरा क्या होगा। मैंने इसे समझाया है। हैं? तो फिर इलाज मेरा खुद ही कर दो। ये तो तुम नहीं करना है, ये तुम्हारा डॉक्टर नहीं मसीहा है। मैंने क्या कहा है? लो अभी कहा कुछ भी नहीं। डरो नहीं, हमने घर की छुरी काटे डंडे सब छुपा दिए। क्या तुम इतने नामवर डॉक्टर हो, तुम्हारे पास तो 100 तरीके होने चाहिए। वो तो है। तो फिर इलाज करो ना। अच्छा तुम इलाज के तरीके कह रही थी। तो फिर क्या सड़क पार करने के लिए कह रही हूँ? तुम बस इसे ठीक कर दो, मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगी। सोच लो मैं कुछ भी मांग लूंगा। घर नहीं मांगे ना, ये किराए का है। ये किराए का घर है? हाँ तो और क्या। तो फिर मैंने क्या मांगना है? फीस मांगो। फीस की बात कर रही हूँ, फीस दूंगी मुंह मांगी। और तुम ना इसे कुछ मत कहना। मैं इसको कुछ नहीं कहती, यही कमीना उल्टी सीधी बातें करता है मुझसे। उल्टी सीधी बातें? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप जाइए, मैं इलाज करता हूँ इसका। लेकिन उल्टी सीधी बातों का भी तो पता चले भाई, आपको जानकर क्या करना है? आप जाइए जाइए, इलाज लेट हो रहा है। इसको समझा दो मुझसे ना उल्टी सीधी बातें ना करे। नहीं करूंगा नहीं करूंगा, इसे जाने दो। मरना ना फिर याद रखो भाई, मेरा ख्याल है इसे नहीं जाया। इलाज करो डॉक्टर, मेरा इलाज शुरू करे ना। अच्छा बैठो 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 बैठो। हारस, हारस, हारस। क्या हो गया चाचा? ओए
मैनू दस ए डॉक्टर कौन सी? जिंदा ही था। और मैंने कब कहा कि मैं लाश था? और कौन था वो? डॉक्टर था, और ये बात तो आप भी जानते। ओए, उसे किसने बुलाया था? अपने कमरे में। और इलाज के लिए? ओए, मैंने नो, उसको कुछ पता भी है? आप ऐसी तफ्तीश करें भाई, वो दूसरे कमरे में होंगे। और दूसरे कमरे में क्या कर रहे हैं? जो पहले कमरे में कर रहे थे। और पहले कमरे में क्या कर रहे थे? इलाज। और अब देखो उसको किधर गई है वो, वरना मैं तुम दोनों का इलाज कर दूंगा। नहीं नहीं चाचा जान, मैं देख कर आता हूँ। ओए, मेरी गलती है, अब मुझे तो नजर रखनी चाहिए थी। वैसे फिकर क्यों कर रहे हैं चाचा आप? ओए जवान बेटी है, और फिकर ना करूं? तो पागल भी तो है। ओए डॉक्टर तो ठीक है ना? बात तो आपकी भी ठीक है चाचा जान। मलाइका, चाचा जान वो तो पूरे घर में नहीं है। क्या? ओ ना, मैं बर्बाद हो गया, मैं लूट गया आरिस। गई बेटी है और बर्बाद आप हो गए। डॉक्टर इतना कमीना निकलेगा, मैंने सोचा तक नहीं था आरिस। खूनी को कौन टाल सकता है चाचा? अब चाचा आप थोड़ा सब्र से काम ले, देखिए शादी के बाद आपको इंशाल्लाह अल्लाह और बेटी अता कर देंगे। ओए कमबख्त, और झुकते मार रहे हैं मैनू? तसल्ली दे रहा हूँ चाचा। ओए कार्ड खोल के सुन लो, अगर समो ने ना वापस आई तो फिर ऐसे पुलिस आएगी। पुलिस? हारिस, हारिस, ना ही तुम्हारी किस किस्म की कसन है। बज़ाहिर तो देखने में पागल सी है, लेकिन प्रैक्टिकली तो सबसे अकलमंद निकली वो। चाचा शादी के बारे में सोचता रह गया और वो डॉक्टर के साथ भाग गई। सोचो वापस कैसे लाना है। डॉक्टर को? कजन को। अरे हमने डॉक्टर की कजन का क्या करना है? सम्मो की बात कर रहा हूँ। हाँ, एक काम करते हैं, पुलिस में रिपोर्ट करवाते हैं। बहुत अच्छे, ताकि सबसे पहले मुझे फेंटी लगे। तुम्हें क्यों? तो घर में मर्द और कौन है? वैसे कुछ पक्का पता नहीं है मलाइका। नीलम, कोई हद होती है मर्द की। मैं तुम्हें छोड़ भी सकता हूँ। हाँ, लेकिन छोड़ोगे नहीं। अरे भाई क्या लड़ाई शुरू कर दी, सम्मो को ढूंढो। लेकिन हम उसे कैसे ढूंढ सकते हैं? अरे डॉक्टर को फोन करो। क्यों, तुम्हें क्या हुआ? अरे डॉक्टर को फोन करके पूछो सम्मो कहाँ है। हेलो यार, मैं तुम्हें फोन करूं तो मेरा फोन नहीं उठा रहे। और ना जब वो फोन नहीं उठा रहा तो तू बात किससे कर रहा है? बंद फोन पे शिकायत कर रहा हूँ यार। ओफ, तुम तो सम्मो से भी ज्यादा पागल हो। यार वैसे ये डॉक्टर होगा कहाँ? जिस दोस्त से उसका नंबर लिया था ना, उससे पूछ। हाँ यार सुनो, बंद फोन पर बात मत शुरू कर देना। हेलो, हाँ भाई, ये तुमने किस किस्म का डॉक्टर भेज दिया था मेरे घर? यार वो मेरी कजन को लेकर भाग गए, तो और नहीं तो क्या? ये नहीं पता, वैसे शायद हो सकता। लेकिन वो मुझे मिलेगा कहाँ पे? एड्रेस समझा, ठीक है वहां पे होगा ना? ओके, खुदा हाफिज। अरे कहाँ जा रहे हो? मैं अभी आता हूँ। अरे अरे बात तो सुनो। चल मलाइका। चाचा जान, पूछे इस बेशरम से, इसने ये क्या घटिया हरकत की है? क्यों है, कहाँ है मेरी बेटी? वो कौन सी बेटी? और जिसका इलाज कर रहा था तू? कुछ नहीं था उसे। बकवास कर रहा है तू। वो एक्टिंग कर रही थी। अच्छा, तो फिर तू उसे लेकर कहाँ गया था? मैं उसे कहीं लेके नहीं गया। और इसी ने मरगलाया उसको? नहीं, मैंने कोई नहीं मरगलाया। उसने मुझसे कहा कि इन्होंने ना उसको घर में कैद किया हुआ है और मुझे कहीं बाहर लेके चलो। हाँ, और तू उसे पक्का ही ले निकला? नहीं नहीं, मैं उसको बाहर लेके गया, फुटपाथ पे चलते चलते पता नहीं कहाँ गायब हो गई वो। ये ड्रामे बना रहे। अब देखो, अगर तुम दोनों ने शादी का फैसला कर लिया ना, तो मुझे कोई एतराज नहीं। ये क्या कह रहे हैं चाचा? अगर इसका इलाज ऐसे ही हो रहा था तो इसमें हर्जी क्या है? हारिस, हारिस, वो ये कौन है? चाचा ये हमारा हमसाया है। एक लड़की तुम्हारे घर मेहमान आई थी ना? हाँ हाँ हाँ, वो मेरी बेटी है। मैंने उसे होटल में जाते हुए देखा है। अब कौन से होटल में? अरे वही जो नए जोड़ो वाला है। मेरी कजन गैर शादीशुदा है, उसका होटलों में क्या काम? बहरहाल वहाँ एक काम हो गया है। और क्या? होटल में फायरिंग हो गई है और मुझे नहीं लगता वो बच्ची बच गई होगी। मेरी बच्ची। चाचा बस कर दे, खुदा को यही मंजूर था। चाचा बस उसकी लिखी इतनी थी बेचारी की, अब वो कफन दफन का बंदोबस्त करते हैं। बाप की शादी भी देखना नसीब न हुई। पता नहीं किस बदबख्त ने गोलियां चला दी। अब तो मेरी बेटी की मैयत ही होनी है। बस चाचा हौसला कर, हौसला। अरे सम्मो, तू जिंदा है? सम्मो कौन है? ये ना मेरा होने वाला दूल्हा है। ओह, इससे तू बातें करती थी और मुझसे कहती थी मुझे फोन नसीब नहीं है। फोन मिसिंग थी, आपकी खोपड़ी में दिमाग नहीं था। देखो देखो, इसका तो पागलपन भी ठीक हो गया। मैं पागल थी नहीं, तो फिर पागल बनी हुई थी? ये अब्बा ना
अपनी शादी के पीछे लगा था, मेरी करवा ही नहीं रहा था। और तूने मुझे कब कहा? अरे इसने अपने मुंह से क्या कहना था चाचा। चलो अब मेरी भी शादी हो ही जाएगी। अब तेरी शादी नहीं हो सकती अब्बा। क्यों? हम उस खानदान में शादियां नहीं करते जहां बुड्ढे शादियां करें। क्या? देखिए जिस दिन आपने शादी की तो मैं इसे छोड़ दूंगा, लिहाजा अपनी शादी को भूल जाए। क्या?